हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे हम सूजी के गोलगप्पे। बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होंगे ये गोलगप्पे और बिल्कुल फूले फूले। कोई भी हमारा गोलगप्पा ऐसा नहीं होगा जो ना फूले। और उन्हीं फूले फूले गोलगप्पों से आज हम बनाएंगे दही वाले गोलगप्पे, जो खट्टे मीठे होते हैं, इमली की चटनी और हरी चटनी के साथ होते हैं, वो वाले आज हम गोलगप्पे बना के तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, तो शुरू करते हैं वीडियो। वेलकम टू गुरप्रीत कौर किचन, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, मैंने एक कप सूजी ली है, आप सिंपल सूजी जो होती है हमारे घर में वही ली है। 1/4 कप यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल। 1/4 कप से थोड़ा सा ये कम है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही कम है। इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, सूजी को और ऑयल को। और यहाँ हमने डालना है गर्म पानी। गर्म पानी से मतलब है थोड़ा गर्म पानी, ज़्यादा बहुत उबला हुआ पानी नहीं होगा, थोड़ा गर्म पानी लेना है। उसके साथ हमें इसे आटे को, ये जो सूजी वाला आटा हम बनाएंगे, इसको इस तरीके से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी यहाँ पे मैंने सिर्फ आधा कप लिया है फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एकदम सारा नहीं डालना है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, क्योंकि सूजी में कनी होती है, जो सूजी में कनी होती है वो फूलेगी तो हमारे यहाँ पे गोलगप्पे बढ़िया बनके तैयार होंगे। यहाँ मैंने आटा लगा लिया है और इसको मैंने इस तरीके से मिक्स करके रख दिया है। और 10 मिनट के लिए हम इसे ढककर एक साइड रख देंगे। 10 मिनट आप देखेंगे तो यहाँ हमारे हो चुके हैं 10 मिनट, आटा भी फूल चुका है सूजी वाला। देखिए इस तरीके से बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, जो हम इसमें ऑयल डालते हैं उसकी वजह से ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही हल्का फुल्का सा, ये सॉफ्ट सा बन के आटा हमारा तैयार हो जाता है। बस ये मेन प्रक्रिया है इसमें जो अब हम करेंगे। इसको अच्छे से हमें गूंदना है हाथों की सहायता से, इसको जैसे वो हलवाई करते हैं ना पटक पटक के, आप उस तरीके से भी थाली में पटक पटक के कर सकते हैं। तो इसे हमें 5 से 7 मिनट इस तरीके से हमें लगाना है, इसमें अच्छे से आटा गूंद लेना है। और यह हमारा आटा गूंद के तैयार है, इसमें कोई कनी नहीं है, प्रॉपर आटा गूंद के हमारा तैयार हो चुका है, क्योंकि मैंने इसमें 5-7 मिनट लगा लिए हैं। और यह आटे को मैंने देखिए इस तरीके से एक पेड़ा लिया है, और जो आटा बचा है उसको हमें गीले कपड़े से, किचन टॉवल से ढक के रख लेना है। और इस तरीके से आटे की एक लोई बना के, लंबी सी लोई बना के, छोटी छोटी सी यहाँ पे हमें जो पेड़े कह लो, पर ये पेड़े नहीं है, तो छोटी छोटी गोलियाँ होंगी, ये छोटी छोटी सी हमें गोलियाँ बनानी है। गोलगप्पे के लिए छोटी छोटी गोलियाँ चाहिए, तो यहाँ देखिए एक तो मैंने यहाँ पे गोल बना दिया है और दूसरा भी बना रही हूँ, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ मैंने, अब मुझे लंबे वाले गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे सूजी के गोलगप्पे बहुत पसंद हैं, तो मैंने यहाँ पे सारे लंबे वाले ही इस तरीके से बना के तैयार करे हैं। अब इसको बेलना कैसे है ये देखिए। और यहाँ पे एक गोलगप्पे की जो गोली है वो लेंगे, उंगली से दबाकर इस तरीके से हमें हल्का सा प्रेशर देके हमें बेल लेना है। तो यहाँ हमें ना ज़्यादा पतले करने हैं ना ज़्यादा मोटे, तो यहाँ देखिए इस तरीके से उंगली से दबा के और इसको हल्का सा प्रेस करके आप 1-2 बार में ही आपका गोलगप्पा बनके ये तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने सारे गोलगप्पे बना लिए हैं, आपके सामने मैंने बना के दिखाए हैं, लेकिन जो मैंने सारे गोलगप्पे बनाए हैं वो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने तैयार कर रखे हैं। इनको मैंने गीले कपड़े से ढका है और गीले कपड़े के ऊपर भी रखा है, तो इसको बिल्कुल सूखने नहीं देना है, हमें गीले कपड़े में ही रखना है, नीचे से भी और ऊपर से भी। तो आगे चलते हैं। यहाँ मैंने ऑयल गर्म करके रख लिया है, सरसों का ऑयल मैंने गर्म कर लिया था फिर ठंडा करके मीडियम गैस पे। तो ये तैयार है हमारा ऑयल, और देखिए गोलगप्पे मैंने इसमें डाले हैं और ये किस तरीके से फूलते जा रहे हैं, फूले फूले गोलगप्पे। क्यों, कई बार क्या होता है, कई लोग कहते हैं हमारे से गोलगप्पे नहीं बनते, तो हम नहीं बना पाते क्योंकि वो फूलते नहीं है। और फ्रेंड्स आपके सामने ही हैं, देखिए मैंने 4 से 5 गोलगप्पे डाले हैं और ये एकदम अपने आप ही फूल गए, आपको इसको हिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ये बहुत अच्छे फूल के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे फूल गए हैं, क्योंकि हमने इसे गर्म पानी से गूंथा है, ये इसमें टिप्स है, गर्म पानी से गूंथे और अच्छा सा ऑयल डाल के इसको अच्छे से हमें आटे को तैयार करके इस तरीके से हम गोलगप्पे बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने और भी डाल दिए हैं गोलगप्पे, क्योंकि गोलगप्पे मेरे बने पड़े हैं सारे, गीले कपड़े में रखे हुए हैं। और ये देखिए कितने अच्छे हमारे गोलगप्पे बनके तैयार हो गए हैं। आप इस तरीके से जरूर ट्राई करें फ्रेंड्स, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जब भी कभी गोलगप्पे खाने का मन हो तो फटाफट घर में इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। और बहुत सारे फ्रेंड्स, एक कप में ये 40 गोलगप्पे बने हैं मेरे, बिल्कुल 40 गोलगप्पे मैंने बना के तैयार करे हैं एक कप सूजी से, और देखिए कितने बढ़िया बनके तैयार हुए हैं, बहुत बढ़िया क्रिस्पी, देखिए टूट रहे हैं कितने अच्छे। आगे चलते हैं।
तो यहाँ गोलगप्पे, दही वाले गोलगप्पे बनाने के लिए हमने यहाँ पे दही लिया है। दही मैंने रात को दूध को मैंने जाग लगा दिया था और यहाँ पे दही बन के तैयार है। तो यहाँ मैंने दही घर का ही लिया है, आप मार्केट से भी ले सकते हैं दही। तो यहाँ मैंने दही को निकाल लिया है, जितना मुझे ज़रूरत है मैंने उतना निकाल लिया है। और इस तरीके से इसको हमें दही को फेंट लेना है, विस्कर से मैंने इसको फेंट लिया है। और ये हमारा दही तैयार है गोलगप्पों के लिए। और इसको देखिए कितना अच्छा, इसकी जो थिकनेस है वो कितनी अच्छी है। अब हमने इसमें डालनी है चीनी, पाउडर शुगर ले लें या देसी खांड है वो ले लें, वो इसमें एक चम्मच शुगर, और इसमें 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैं नमक डाल दिया है। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें। और इसके साथ ही यहाँ पे हमने डाल देना है भुना पिसा जीरा, वो डाल दें, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा इसमें गोलगप्पों के लिए। और यहाँ पे मैंने मीठी चटनी ली है इमली की, और हरी चटनी धनिया वाली वो ले ली है, और थोड़े से मैंने यहाँ पे आलूओं को बॉयल करके रख लिया है। चटनी की रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, इमली की चटनी और हरी चटनी दोनों की रेसिपी मेरे चैनल पे है। और यहाँ पे देखिए गोलगप्पों को इस तरीके से हमें तैयार कर लेना है, इसके अंदर इस तरीके से हमें होल कर लेने हैं, गोलगप्पों को फोड़ लेना है इस तरीके से। अब इसके अंदर हमने भरने हैं आलू, तो यहाँ पे एक एक या दो दो जितनी आपकी इच्छा हो, एक एक दो दो इसमें आलू भर लें उबले हुए। और यहाँ हमने आलू भर लिए हैं, इसके साथ अब हम इसके ऊपर दही डालेंगे थोड़ा थोड़ा इस तरीके से। गोलगप्पों के अंदर हमें दही भर लेना है, क्योंकि ये दही वाले गोलगप्पे बन रहे हैं, तो अच्छे से पूरा भर लें गोलगप्पों को। आप आलू बॉयल कर सकते हैं, साथ में थोड़े से अगर छोले हों सफ़ेद छोले तो वो भी आप बॉयल करके रख सकते हैं, वो भी इसमें भर सकते हैं आप। और यहाँ हमने दही डाल लिया है, इसके साथ ही यहाँ पे डालनी है लाल मिर्च, तो रेड चिली यहाँ पे थोड़ी थोड़ी मैंने डाल दी है, और इसके साथ ही नमक डाल लेंगे थोड़ा सा। आगे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी डालेंगे थोड़ी थोड़ी सी हरी चटनी जो हमने धनिया वाली बनाई है वो डाल लें। और इसके साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे मीठी चटनी, इमली वाली जो चटनी हमने बनाई है वो डाल लेनी है। एक बार फिर से सेम प्रोसेस वही रहेगा, थोड़ा दही डालेंगे ऊपर से, थोड़ी मीठी चटनी हो जाए इस तरीके से अच्छे से डाल लें। और अब हमारे लास्ट में जो है वो रह जाएगी हरी चटनी, उसको भी इस तरीके से थोड़ा थोड़ा गोलगप्पों के ऊपर डाल लें। तो ये हमारे दही वाले गोलगप्पे खट्टे मीठे बनके तैयार हैं। फ्रेंड्स, आ रहा है मुँह में पानी, जल्दी से रेसिपी देख के इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। और वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर लें, कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी ये वीडियो, शेयर कर लें फ्रेंड्स से ताकि वो ये रेसिपी बना सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।